हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पूर्व की भांति इस समय हम लोग फिर एक डेमो दे रहे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल में और वाइवा देने में या इंटरव्यू देने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जैसे स्कूल के टीचर आपको पढ़ाते हैं, वैसे एग्जामिनर भी होते हैं। बस आप अपने अंदर डर को ख़त्म करिए, और किस तरीके से वाइवा होता है एक हम लोग सैंपल आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। प्रैक्टिकल में क्या मिला था सर? एसीटोन। एसीटोन तो ये चार्ट में बनाया होगा आपने, वैसे प्रैक्टिकल में क्या बना होगा? ये जो चार्ट आपने बनाया था, एसीटोन बनाया है, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3COCH3। इसकी IPC क्या है? प्रोपेनोन। इसका लैम मेथड रिएक्शन याद है? यस सर। लिख सकते हो? यस सर। ठीक, इसका क्या नाम है सर? कैल्शियम एसीटेट। ठीक, और कोई रिएक्शन इसका एसीटोन से आपको रिएक्शन याद है कोई? यस सर। सर बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसमें जैसे जो भी आपको याद हो, अगर आपने हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन से लिखिए। वहाँ से H2O से वाटर उसको लपेटो पहले वहाँ। हाँ, इससे वो बस अब जो बचे उसको रखो। हाल क्लियर ना करिए, बस उसको डबल बाउंड रहने दीजिए इसको। हाँ, बस इसे डबल बाउंड करके उसके सामने डबल बाउंड करो, बस जो बचा उसको जोड़ दो बस। ठीक है, तो एसीटोन की रिएक्शन आपने किससे किया? हाइड्रोजन से। और जो बचा आपने पोर्शन जोड़ दिया, ये एसीटोन हाइड्रोजोन बन गया। हाँ, हाइड्रोजोन जीन जोन में बदल जाता है। ठीक है, जाइए तैयारी करिए, एग्जाम बहुत करीब है। ठीक है, थैंक यू। दूसरे रूम नंबर बच्चे भेज दो। कमिंग, क्या नाम है? हेलो बच्चे। जी सर, सिट डाउन। क्या बनाया हो? इथाइलेमीन। इथाइलेमीन, इथाइलेमीन का फार्मूला C2H5NH। इसका IPAC? एथेनामीन। इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको याद है? yes, ये कोई नेम रिएक्शन है? नेम रिएक्शन का क्या नाम है? हाफ मैन ब्रोमा एमाइड डिग्रेडेशन या केवल हाफ मैन ब्रोमा, ये रिएक्शन बोलिए। लिख दें। लिख लो।
हाल क्लियर ना करिएगा, इरेज करिए। बस बस सीधे रिएक्शन केवल लिखो आप में बस। उस जो कंपाउंड उसका क्या नाम है इसका? प्रोपेनम। नहीं हाँ तो बोलो, तीन कार्बन है, प्रोपेनामाइड, प्रोपामाइड। ये कार्बन की संख्या को क्या इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? सर डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, तो जब भी कार्बन की संख्या को डिक्रीज करना हो तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जाओ दूसरे बच्चे तुरंत भेजो ना, सब लाइन से खड़े रहो, दरा जल्दी जल्दी आइए। सिट डाउन। कौन सा टॉपिक तैयार है आपको? बहुत अच्छा सर, दो नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बताइए, कौन सा नेम रिएक्शन है सर? पहला वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है कार्बन की संख्या को डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? सर इंक्रीज करता है। हाँ बोलिए, वुड्स रिएक्शन बोलो सर। जब दो एल्किल हैलाइड के अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक, और स्मिथ? स्मिथ रिएक्शन सर, जब एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एमीन बनती है। तो ये जो है स्मिथ रिएक्शन, ये कार्बन की संख्या डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? बढ़ाती है कार्बन की संख्या। स्मिथ रिएक्शन घटाती है, घटाती है, सॉरी ऊर्जा बढ़ाता है। ठीक है, एग्जाम करीब है, मेहनत से पढ़ो। ठीक है जाइए दूसरे बच्चे में। थैंक यू। मैं कमिंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। आपको कौन कौन सा चीज मिला था प्रैक्टिकल में? जैसे कि एसिडिक बेसिक रिएक्शन मिला होगा। हाँ, मुझे लेड एसीटेट मिला था। अच्छा, लेड एसीटेट आपका सॉल्ट आया, इसका मतलब आपका एसिडिक रिएक्शन कौन सा रहा होगा? एसीटेट और बेसिक रिएक्शन लेड। लेड का सिंबल क्या होता? पीबी होता है। कितने प्लस होते हैं इस पे? टू। किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का। किस ग्रुप का? सेकंड। और क्या आपको याद है? जैसे टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में आपको कौन सा सॉल्ट मिला था? सर FeSO4 NH2 का ट्वाइस एंड NH4 का होल ट्वाइस। SO4 उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होंगे। yes, कितना? इसका नाम क्या है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट। इसका फार्मूला लिख सकते हो? यस सर। आल क्लियर ना करना, इरेज वाले को करना। माइक यहाँ पे है। बस फार्मूला। हाँ ठीक, एस कैपिटल बनाइए FeSO4 में। Thank you.
इसका मोलर मास याद है? यस सर, 392। 392। अच्छा, टाइट्रेशन करते समय ब्यूरेट में क्या भरते हैं हम लोग? सर पिंक कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है जाइए। थैंक यू सर। Come in. क्या नाम है? पल्लवी। सिट डाउन। क्या मिला है आपको प्रैक्टिकल में? लेड एसीटेट। एसीटेट का टेस्ट याद है? जी सर। सर सॉल्ट में डाइल्यूट एचसीएल डालेंगे तो स्मेल ऑफ विनेगर आएगी, मे बी एसीटेट है, और फिर उसमें एक्वा सॉल्यूशन डाइल्यूट एचसीएल एफसीएल 3 डालेंगे, पेरिक्लोराइड, ब्लड रेड कलर आएगा, तो एसीटेट कंफर्म है। अच्छा, एसीटेट का सिंबल क्या है? CH3COO और एक माइनस। और लेड जो है किस ग्रुप का है? बेसिक रेडिकल है जी। किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट एचसीएल। वेरी गुड। और टाइटेशन में आपको कौन सा सॉल्ट मिला था? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। जब हम किसी सोल्यूशन को आपने जब बनाया हुआ सक करते होंगे किस इंस्ट्रूमेंट से उसे खींचते हैं? पिपेट। पिपेट जी सर। तो जो खींचते हो कितने ml होता है, एक निशान बना होता है? 25 ml। ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा है, थ्योरी तैयार करो, है एग्जाम बहुत करीब है। जी सर। कम इन। क्या नाम है? आरती। सिट डाउन। आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन सी टॉपिक मिली थी, कौन सा सॉल्ट मिला था? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला पता है? अमोनियम NH4CO3। NH4 का होल ट्वाइस CO3। कार्बोनेट का टेस्ट सुनाइए। सॉल्ट प्लस डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, फिर उसको आप कैसे पास, किसमें पास करते हो? लाइम वाटर। लाइम वाटर में फिर वो कैसा कलर आ जाता है? मिल्की हो जाता है। जो मिल्की कलर आ जाता है वो किसका बना होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये जब रिएक्शन लिखोगी CaOH का होल ट्वाइस टू प्लस टू CO2 और एरो खींचोगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मिल्की कलर होगा वो किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब रिएक्शन होगा तो आप पूरा दोनों इक्वेशन लिख दो। टाइटेशन में आपको कौन सा सॉल्ट मिला था? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट एक कौन सा सॉल्ट है? जैसे डबल सॉल्ट है कि सिंपल? डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट जी। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 392। जो इसमें KMnO4 है जी, वो किसका काम करता है? सूचक का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जो इसमें KMnO4 है जी, उसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 7 है। प्लस 7 है, प्लस 7 बोलोगे उसको साइन से बोलना है। ठीक है, वेरी गुड, जाइए और तैयारी करिए वो बोर्ड की। ठीक है, थैंक यू सर। सिट डाउन। क्या नाम है? पूजा। सिट डाउन। जबकि रिकॉर्ड कॉपी है। कौन सा सॉल्ट मिला था आपको? कार्बोनेट। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3 2-। माइनस वाले को हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, बेसिक रेडिकल? एसिडिक रेडिकल। वेरी गुड। और इसका टेस्ट याद है आपको? कार्बोनेट का। पहले सॉल्ट लिया होगा, फिर डाइल्यूट H2SO। ठीक है, जाइए आगे हैं, फिर तैयारी करिए थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट को भेजना, जल्दी भेजते जाइए।
इस तरीके से बच्चों आपका एक छोटा सा डेमो दिया गया है और आप लोग बोर्ड की अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।